गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ वोकैबुलरी धमाका। जैसा कि आप जानते हैं, हम इमेजेस से चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सलमान खान, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगी सलमान खान की। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, पहले आपके सामने एक इमेज रखते हैं, फिर एक क्वेश्चन रखते हैं। क्योंकि अब एसएससी के एग्जाम पास आने वाले हैं, इसलिए आपके सामने एसएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लाया जा रहा है। और मजे की बात क्या है कि हम उसको इमेज से जोड़ रहे हैं। कैसे होगा, क्या होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अपनी क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपका एग्जाम पर की टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से इसको ले लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना, आप जो है बहुत पढ़ लेते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन कमी कहाँ जाती है, हमें प्रैक्टिस की, टेस्ट की। वो आपकी कमी टेस्ट सीरीज से दूर हो जाएगी अगर आप इसको लेते हैं। आपको अगर इसको लेना है तो फटाफट से जो है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके इसको ले सकते हैं। अपनी बात को शुरू करते हैं। सर से बोलेंगे, सर पहली में लगा दीजिए, आज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एंटोनियम बेस्ड होंगे। यानी कि आपको सबका क्या बताना है, यहाँ पर एंटोनियम बताना, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपकी डेली कितने बजे होती है, सुबह 5:30 बजे होती है, तो इस बात को मत भूलिएगा। और रात को 11 बजे कौन सी क्लास होती है आपकी, प्रैक्टिस क्लास। तो दोनों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, तो सर पहला इमेज आ चुकी है हमारे सामने। अब आप इमेज को देखेंगे जरा ध्यान से, तो आप बोलेंगे हाँ सर कि इस इमेज को देख करके एक बात समझ में आ रही है। जो चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि भाई बादल है, बिजली कड़क रही है, थंडरिंग हो रही है, इस तरीके से आपके बाद में बातें आएंगी। आप में से कुछ बच्चों के माइंड में एक चीज़ और आएगी इसको देख करके कि भाई ये जो है वो कैसे, जब बिजली जो है वो थंडर करती है ना, तो क्या होता है, अचानक से चमकती है एकदम लाइट की तरह फ्लैश और एकदम से बंद हो जाती है। तो चीज़ें क्या होती हैं, अचानक से होती हैं। तो जैसे कभी आकाश में जब बादल गड़गड़ाते हैं, जब बिजली कड़कती है, तो आप एकदम अपने दोस्त से बोलते हो अरे अरे देख वो बिजली कड़क रही है, अरे देख देख वो कड़की है, तो इस तरीके से फीलिंग्स आती हैं। तो आप क्या है, जो भी आप देखते हो उस चीज़ को, वो मोमेंट होता है आपका सडन। तो इससे रिलेटेड आपका वर्ड आने वाला है। चलिए सर वर्ड लगाते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, आपके सामने पहला वर्ड आ गया, आपका क्वेश्चन जो है वो एब्रप्ट आ गया। क्या आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एब्रप्ट। तो हमने देखा सर, क्वेश्चन आने में साथ लगी, ठीक है। तो अब आपके देखा, हमारे सामने वर्ड आया, हमारे सामने एब्रप्ट, क्या आया आपके सामने, एब्रप्ट। तो एब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है, इस इमेज को देख करके हम याद करेंगे, अचानक। क्या होता है इसका मीनिंग, अचानक। क्योंकि हमें याद क्या चाहिए, इसका ओपोजिट। तो क्या हो जाएगा इसका ओपोजिट, यहाँ पर ग्रेजुअल। क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल। क्योंकि ग्रेजुअल का मीनिंग क्या होता है आपका, धीरे धीरे। क्या होता है इसका मीनिंग, धीरे धीरे। किसी भी कोई काम जो धीरे से हो, धीरे से, धीरे धीरे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेजुअल। क्लियर हो रही बात। और एब्रप्ट का क्या मीनिंग हो गया, अचानक। तो हमेशा बादल को जब भी आप कड़कते हुए देखो तो बोलो अरे वाह, एब्रप्ट हो गई बिजली जो है वो, फटाफट से, अचानक से दिखाई दिए। तो क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। बाकी सारे जो आपके ऑप्शन है वो आसान है। रैपिड मतलब क्या होता है आपका, बहुत तेज। कंक्रीट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, कंक्रीट के पत्थर बनते हैं, क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत। कोई चीज जब बहुत मजबूत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट। क्लियर हो रही है बात। और एक आपका वर्ड यहां दे रखा है, ऑब्सक्योर। क्या दे रखा है आपका वर्ड, ऑब्सक्योर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, अस्पष्ट। क्या होता है सर, नेक्स्ट इमेज लगा देंगे, अस्पष्ट। क्लियर हो रही बात, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। इमेज को देख करके आप यही बोल रहे होंगे कि ये जो गर्ल है वो कैसी है, बड़ी वीक सी नजर आ रही है ना, फिर भी उसने जो है वो इतने भारी जो है वो डंबल को उठा लिया है, लेकिन ये जो है वो बड़ी जो है वो वीक सी नजर आ रही है, इसको देख करके आप यही बात बोलेंगे। तो चलिए सर इसका क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे क्या इसका एंटोनियम होगा, जल्दी से सोचेंगे क्या उसका एंटोनियम हो सकता है। याद रखिए, गलती मत करना, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एंटोनियम्स। क्लियर हो रही है बात। तो हमारे सामने वर्ड आया ब्रिटल। क्या आया हमारे सामने वर्ड, ब्रिटल। क्या आया हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड, ब्रिटल। क्लियर। तो ब्रिटल का जो आपका पहले चांद, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका नाजुक। नाजुक है, कोमल है, ठीक है, ये होता है। इसका जो ऑपोजिट होता है क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन के हिसाब से, वीक, फ्रेजाइल, ब्राइट। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑपोजिट इसका, स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट, स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गई बात। तो एक बात याद रखेंगे कि जो आपका ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब क्या हो गया, वीक, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग, है ना। ब्रिटल को आप याद कर लो लिटिल से, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। जो छोटा है वो कैसा है, वीक है। लिटिल मतलब छोटा, तो छोटा है तो कैसा होगा, वीक होगा। और यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस में नजर मारूं तो इस वीक का आप सभी लोग जानते हैं, वीक क्या हो जाएगा, इसका सनोनियम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए। तो वीक मतलब कमजोर, ब्राइट मतलब जो कैसा हो, प्रकाशित हो। और यहाँ पर एक और वर्ड दे रखा है आपका, फ्रेजाइल। क्या दे रखा है आपका वर्ड, फ्रेजाइल।
तो इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा, फ्रेजाइल का क्या मीनिंग होता है, वीक, कमजोर, है ना, वीक, कमजोर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट। तो ये हमारे ऑपोजिट क्या, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गई बात, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ बता दिए गए। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ चुकी है। फटाफट से सोचेंगे इस इमेज को देख करके हम क्या क्या बातें सोच सकते हैं। हम सोचेंगे टाइगर है, है ना, वो बंद है, ठीक है, है ना। तो ये बातें समझ में आएंगी, जो एक टाइगर है, दो टाइगर है यहाँ पर, है ना, तो वो कैसे हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। हाँ, लॉयन है, ठीक है, लॉयन है, टाइगर नहीं है, ठीक है। तो लॉयन है वो क्या हुआ है, बंद पड़े हैं, है ना। तो आप देख करके इसके माइंड में, आपके दो तीन माइंड में दो ही बातें आ रही होंगी, एक तो भाई हमारे सामने क्या है, लॉयन है, दूसरा क्या है, वो बंद है, यानी कि उसको कैद कर रखा है। तो चलिए सर जानते हैं इसके सामने क्या वर्ड आने वाला है। देखिए हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आ गया, थर्ड नंबर क्या आ गया हमारे सामने, कैप्टिविटी। क्या आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, कैप्टिविटी, यही है आपका, यस। तो कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को गुलाम बनाना, किसी की मतलब क्या कहते हैं, जो किसी की चीज के अंदर अधीनता होती है, कहते हैं ना अधीन है वो, मतलब क्या है, गुलामी की कैटेगरी में वो आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका कैप्टिविटी। ऑपोजिट की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर सिंपल सा सी ऑप्शन आपका जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑपोजिट। तो फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर, फ्रीडम मतलब क्या, आजादी, और ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, अधीनता। क्लियर हो रही है बात। इस कैप्टिविटी वर्ड को आप कैप्चर से भी याद कर सकते हो, कैप्चर, कैप्चर होता है ना किसी भी चीज को कैद कर लेना, है ना, कहते हैं ना कि कैप्चर कर लिया उसको मैंने, पकड़ लिया, कैद कर लिया। तो ये सब चीजें किसके लिए आती हैं, आपकी कैप्चर के सेंस में, कैप्चर से कैप्टिविटी को आप याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, है ना। स्लेवरी का मतलब क्या होता है आपका, गुलामी। स्लेवरी मतलब क्या होता है आपका, गुलामी। तो ये आपका आसानी से याद हो जाएगा, है ना। एक आपका दे रखा है परमिशन, परमिशन दे रखा है, परमिशन का आप सभी लोग जानते हैं क्या मीनिंग होता है, परमिशन मतलब कि अनुमति मिल जाना। लिमिटेशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, लिमिट है, उस चीज की लिमिट है, कहते हैं ना कि मजाक करो एक लिमिट में करो, ऐसे यूज करते हैं। तो लिमिटेशन वर्ड भी है, वो लिमिट से बना है, जिसका मतलब क्या होता है आपका, सीमा। तो ये आपके सारे ऑप्शन के यहाँ पर सारे वर्ड मैंने बता दिए। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, नेक्स्ट इमेज को देख करके आपके माइंड में साफ एक बात याद आ रही हो, आ रही होगी, क्या वो बात क्या है कि भैया इतना परेशान क्यों है, इतना उदास क्यों है। तो ये हमारी जो इमेज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, ये वाला जो इमोजी है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उदासीनता को, जो कैसा हो, उदास हो। चलिए सर जानते हैं इसका क्या है वर्ड। ओके, तो हमारे सामने इसका वर्ड आ गया यहाँ पर डिसकॉन्सोलेट। क्या आ गया हमारे सामने वर्ड, डिसकॉन्सोलेट। तो डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग क्या होता है आपका, उदास। इमेज में देखेंगे, इमेज में देख करके आपको इस वर्ड को याद करना है, इमोजी को याद करिए, अपने माइंड में आंख बंद करिए और सोचिए, अच्छा वो जो टाइगर वाली सर ने इमेज दिखाई थी वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी, कैप्टिविटी को कर रही थी। अच्छा ये जो रोने वाला है ये सर ने किस लिए बताया था, ये रोने वाला जो इमेज है सर ने बताया था कैप्टिविटी के लिए। इस तरीके से आप इमेज को देख करके वर्ड पर आओगे, कसम से वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। क्लियर, ओके। तो डिसकॉन्सोलेट का यहाँ पर ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जॉयस। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जॉयस। जॉयस का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, इसका ऑपोजिट हो गया। क्लियर हो रही है बात। बाकी सारे ऑप्शंस हैं उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। प्रोमिनेंट है आपका यहाँ पर, प्रोमिनेंट क्या है आपका मीनिंग, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है आपका, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, प्रसिद्ध हो। क्लियर है ना। और एक आपका यहाँ पर वर्ड आया है अनप्रिजिड, हाँ अनप्रिजुड, हाँ रे यार माफ करना, एक आपके सामने वर्ड आया है अनप्रिजुडाइज्ड। क्लियर, हाँ अनप्रिजुडाइज्ड। तो इसका मीनिंग आपका जब हो जाए होता है क्या होता है आपका, निष्पक्ष। क्या होता है आपका, निष्पक्ष। जब कभी वर्ड आता है आपके सामने प्रिजुडाइज्ड, तो प्रिजुडाइज्ड आपका जो मीनिंग होता है वो आपका लेता है जब कोई किसी से पक्षपात करता है, क्योंकि इसके सामने लग गया यहाँ पर अन, है ना, तो ये क्या लेगा, इसका ऑपोजिट लेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, निष्पक्ष। जब किसी का भी कोई निष्पक्ष होता है, यानी कि जब कोई किसी की साइड भी ना ले, तो हम उसे क्या यूज करते हैं, अनप्रिजुडाइज्ड। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका डिसकॉन्सोलेट हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, अनप्रिजुडाइज्ड हो गया, और नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, थैंकफुल। थैंकफुल आप सभी लोग जानते हैं मतलब क्या होता है, धन्यवाद। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ चुकी है। बोलते बोलते जवान भी जो है वो अटक जाती है, गला सूख जाता है, तो ना चाहते हुए इंसान जो है वो हगला जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने यहाँ पर किस चीज की आ गई है, तो एक जो है स्पीकर यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो क्या कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है ना, क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है। और जब ये स्पीच दे रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं इसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हम देख करके एक बात बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है बड़ी स्ट्रांगली बात को बोल रहा है, क्या कर रहा है, बड़ी स्ट्रांगली बात को बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी जो इसकी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो काफी अच्छी नजर आ रही है। तो जानते हैं इसके सामने हमारे सामने क्या वर्ड आने वाला है, देखते हैं सर। ओके, तो हमारे सामने वर्ड आ गया यहाँ पर इलोक्वेंच, क्या आ गया हमारे सामने वर्ड, इलोक्वेंच, क्लियर हो रही है बात। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है आपका, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्पट, वाक्पट। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, जो बहुत अच्छा जो है वो स्पीकिंग में हो, है ना, जिसको जो कैसा हो, बहुत अच्छा जो बोलता हो उसको बोलते हैं इलोक्वेंट, है ना। जो जैसे बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं आपका, इलोक्वेंट। क्लियर हो रही है बात। तो इसका जो आपका ओपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनआर्टिकुलेट, है ना। तो इनआर्टिकुलेट का मीनिंग भी जानते हैं क्या होता है, इनआर्टिकुलेट, ये क्या हो गया इसका यहां पर आपका ओपोजिट हो गया। तो इनआर्टिकुलेट आपका आता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो कम बोले, जो अच्छा ना हो बोलने में उसको आप क्या यूज करते हैं, इनआर्टिकुलेट, और जो बहुत एक्सपर्ट हो बोलने में उसको हम क्या यूज करते हैं, इलोक्वेंट। तो अगर मैं इनआर्टिकुलेट का भी क्या ओपोजिट करूं ना, ओपोजिट करूं इसका भी ओपोजिट, तो ऑप्शन दे रखा है आपका आर्टिकुलेट, क्या दे रखा है आपका ऑप्शन, आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट जो है वो सिनोनिम किसका हो जाएगा फिर, इलोक्वेंट का। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई इलोक्वेंट का मुझे सिनोनिम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आर्टिकुलेट, जो कैसा हो बोलने बहुत अच्छा हो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे इसका ओपोजिट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका क्या होगा, इनआर्टिकुलेट। क्लियर हो रही है बात। चलिए फिर आपके सामने एक वर्ड यहां पर और आ जाता है, क्या आ गया आपके सामने वर्ड, ल्यूसिड, यहां पर लिख देता हूं। तो ल्यूसिड एक और वर्ड आ गया, ल्यूसिड, ल्यूसिड का क्या मीनिंग होता है आपका, चमकदार, क्या होता है आपका, चमकदार। क्लियर, तो आप यहां से इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड आपके सामने आ गया एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा शानदार हो, अच्छा हो, शिष्ट हो, यहां लिख देता हूं, है ना, एलिगेंट, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एलिगेंट का क्या मीनिंग होता है आपका, जो कैसा हो, शिष्ट हो। क्लियर, चलिए इसे नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगली इमेज आपके सामने कुछ वैसी सी आ गई है जैसे गर्ल की इमेज आई थी, यानी कि वीकनेस को वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक बात समझ में आती है, तो चलिए सर इसका क्वेश्चन लगा देते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आया था, फ्रेजाइल का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था, जो कमजोर होता है। तो यहां पर हम इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजाइल मतलब क्या हो गया आपका, कमजोर, स्ट्रांग मतलब क्या हो गया आपका, मजबूत। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो दूसरे ऑप्शन से क्या था, बिल्कुल मिलता हुआ था, इसलिए मैं आपको इसको जो है यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ब्रिटल जो है उसका मीनिंग भी क्या आपको बताया था, क्या होता है, वीक। क्लियर हो रही बात। तो फ्रेजाइल का ऑपोजिट यहाँ पर हमें चाहिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, स्ट्रांग। क्लियर हो रही बात। एक वर्ड यहाँ पर आ गया डिस्कार्ड, है ना, ये इसको देख लेते हैं एक बार, वर्ड क्या आ गया आपके सामने, डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का मीनिंग होता है आपको किसी भी चीज को छोड़ना। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देते हैं। ओके, शाबाश। तो अगली इमेज हमारे सामने आ चुकी है, अगली इमेज को देख करके हमें एक बात समझ में आ गई, हाँ अगली इमेज को देख करके हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई बहुत तेजी से कोई दौड़ रहा है, बहुत तेजी से, मान लो कुछ भी, कुछ किसी भी चीज के लिए दौड़ रहा है, इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, मगर ये बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ये बात जो है इमेज को देख करके मुझे समझ में आ रही है। चलिए सर जानते हैं इसका वर्ड क्या आने वाला है। ओके, तो हमारे सामने इससे रिलेटेड वर्ड आ गया है यहाँ पर, हासन, क्या आ गया आपके सामने वर्ड, हासन, ठीक है। तो हासन का मीनिंग क्या होता है आपका, बहुत तेज, यानी कि जल्दी करना, क्या करना, जल्दी करना। अब जानते हैं यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा डॉडल, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है ना, डॉडल, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑपोजिट। मतलब हासन का मतलब क्या हो गया, जल्दी करना, और डॉडल का मतलब क्या है, देर करना, बहुत आलसी टाइप का। तो डॉडल का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर एक और वर्ड आया है डैश, डैश आप बोल सकते हो डैश है, हरी है, स्क्यूरी है, ये तीनों वर्ड जो है आपके जल्दी के सेंस में आते हैं, बहुत फुर्ती के सेंस में आते हैं। तो आपके यहाँ पर वर्ड है हरी, हरी का आप सभी लोग जानते हैं जल्दी करना। एक वर्ड आया है यहाँ पर आपका स्क्यूरी, स्क्यूरी का मतलब क्या होता है, बहुत तेज, फुर्ती, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो जल्दी करना, फुर्ती से करना, बहुत तेज करना, तो उसके लिए आपका वर्ड क्या आता है, स्क्यूरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं खास बात क्या है, कि हासन के
तीन सिनोनिम दे रखे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसका ओपोजिट चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर हमें, इसका ओपोजिट। तो ओपोजिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डॉटर। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, क्लियर है। तो स्कूरी और डैश और हरी तीनों का मतलब याद रखिए, ये तीनों जो है आपके जल्दी के साइंस में यूज होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हरी का मतलब जल्दी, स्कूरी का मतलब क्या हो गया, बहुत तेज, फुर्तीला बोल दो, फुर्ती बोल दो, ठीक है, जल्दी के सेंस में हमारे आते हैं तीनों वर्ड। डैश का मतलब भी क्या है, फुर्ती के सेंस में आता है। तो ये तीनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट, तो हो जाएगा हमारा डॉटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। अब देखिए अगली इमेज हमारे सामने आ गई, सिंपल सी बात है, इसको देख करके आप सभी बोलोगे कि सर ये जो है वो खतरे को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए सर इसका जो क्वेश्चन लगाते हैं क्या है, तो देखिए हमारे सामने वर्ड आ गया पेरिलस। क्या आ गया हमारे सामने वर्ड, पेरिलस। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, खतरनाक। क्या होता है आपका, खतरनाक। हमें क्या चाहिए, इसका ओपोजिट चाहिए। तो हमारा ओपोजिट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सेफ। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ओपोजिट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेफ जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट मतलब महान, क्विक मतलब जल्दी, अनसेफ मतलब जो है वो असुरक्षित हो, है ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसका ओपोजिट चाहिए। तो खतरनाक का क्या होगा, ऑपोजिट, सेफ। ये पेरिलस क्या हो गया, डेंजर ही तो हो गया, डेंजर क्या होगा, इसका सिनोनिम हो गया। तो ये जो है वो डेंजर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इमेज को देख करके कहते हैं ना, कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है कि डेंजर 11,000 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं आप, खतरा, खतरनाक, इस तरीके से आपको आपने जगह जगह देखा होगा, तो उसको आप क्या बोलते हो, पेरिलस। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। देखते हैं हमारे सामने अगली इमेज क्या आने वाली है, ठीक है, ओके। तो हमारे सामने अगली इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किसी चीज से जो नफरत है, इसलिए क्या कर रहे हैं, उस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, है ना। हाँ तो चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं, इसका क्वेश्चन हमारे सामने क्या होगा। हाँ तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, हाँ क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब आप देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, स्पाइट। क्या आया हमारे सामने क्वेश्चन, स्पाइट, स्पाइट। स्पाइट का मतलब क्या हो गया, इमेज को देखकर या देखिए क्या कहा, क्या कह रही है इमेज, विरोध या बैर, है ना। तो ये केस क्या हो गया यहाँ पर, स्पाइट के दो मीनिंग। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसका ऑपोजिट चाहिए। तो ऑप्शंस की तरफ मैं अगर मैं यहाँ पर बढ़ूं तो एक दे रखा है आपको यहाँ पर स्प्लीन, है ना, एक दे रखा है विनोम और एक दे रखा है आपका स्प्रिट, ठीक है। स्प्रिट तो आपका क्या, हाँ स्प्रिट हो गया, और एक आपका दे रखा है अफेक्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अफेक्शन। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी से लगाव है, प्यार है, मित्रता है। तो ये क्या होगा इसका यहाँ पर, हमारे ऑपोजिट हो गए। क्लियर हो रही है बात। एक आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर स्प्लीन। क्या दे रखा है आपका ऑप्शन, स्प्लीन। स्प्लीन का क्या मीनिंग होता है आपका, ये भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो स्प्लीन का क्या हो गया आपका यहाँ पर, भावना। एक आपका यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, स्प्रिट, विनोम। हाँ विनोम को ढूंढ रहा था मैं, विनोम क्या होता है आपका, जहर। एक आपने मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन वाली, है ना, उसमें ब्लैक कलर का स्पाइडरमैन होता है, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, विनोम को। उसका नाम होता है ना शायद वेनम, इस तरीके से होता है, आई थिंक, हो सकता है शायद मैं गलत नाम बोल रहा हूँ उसका, लेकिन ऐसा सही कोई नाम है इसका, वेनम, वेनम। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, जहर को। क्लियर हो रही है बात, क्लियर। चलिए है ना, तो आपका स्प्लीन हो गया, स्प्रिट। स्प्रिट का मीनिंग क्या होता है आपका, भावना। कहते हैं ना आपकी स्प्रिट कैसी है भाई, आपके अंदर स्प्रिट है। तो स्प्रिट को याद करने के लिए आप स्प्राइट वर्ड का यूज कर सकते हो। कैसा, कि भाई जो स्प्राइट होती है, स्प्राइट को पी करके क्या हो जाता है, आपके मन में इंथुसियास्म की जो भावना है वो आपके सामने आ जाती है। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर आपका अफेक्शन हो गया, विनोम हो गया, स्प्रिट हो गया और स्प्लीन हो गया। तो आपका क्या, स्प्राइट का मतलब क्या हो गया, विरोध या बैर। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, अफेक्शन। स्प्लीन, स्प्लीन का क्या मीनिंग हो जाएगा आपका, जो किसी से बैर हो, दुश्मन हो, है ना। तो स्प्लीन का क्या मीनिंग हो जाएगा आपका, द्वेष। ओहो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है, भावना नहीं होगा। स्प्लीन का क्या मीनिंग होगा आपका, द्वेष। क्या हो जाएगा, द्वेष, ठीक है। स्प्लीन को मैं स्प्राइट के सेंस में ले गया, स्प्राइट का मीनिंग होता है आपका भावना। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन बता दिए गए, क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। देखिए थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस बताता हूँ मैं, अगर सारे ऑप्शन ना बताऊँ तो क्लास जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे सामने कोई वर्ड आया है तो हमको क्या है, उसको बताना पड़ेगा, तभी तो आपको मजा आएगा। हाँ भाई, एक वर्ड के साथ हमें चार वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, तो यही तो आपका इस क्लास का फायदा है कि आपको हर एक वर्ड को अच्छे से बताया जाता है।
ठीक है। तो अगली इमेज जो हमारे सामने वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, एक आदमी बड़ा घबरा सा रहा है, बड़ा डर रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। मान लो इसका कोई इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम हो, उसी चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा हताश है, परेशान है। क्लियर हो रही है बात? तो इसको देख करके जानते हैं सर हमारे सामने क्या वर्ड आने वाला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए आप जल्दी से बताइए क्या होगा, आपके पास यहाँ पर जल्दी से एक मिनट है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका क्या होगा, फटाफट से ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका मीनिंग बताएंगे क्या होगा, सोचिए। बहुत बढ़िया। तो हमारे सामने चलिए मैं ही बता देता हूँ उसका जल्दी से, ठीक है। हमारे सामने वर्ड क्या आ गया, ट्रिमुलस। क्या हमारे सामने वर्ड आ गया, ट्रिमुलस। जो आपको वर्ड है ट्रिमुलस, इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बनाई थी, नर्वस। अगर आपने मेरी कल की या परसों की क्लास देखी हो तो वहां पर जो है वो ट्रिमुलस वर्ड आया था, ट्रिमुलस को रिप्रेजेंट किया था मैंने नर्वस से। तो इसका ट्रिमुलस का क्या मीनिंग होता है आपका, कांपता हुआ। क्या होता है आपका मीनिंग, कांपता हुआ। याद कैसे करेंगे भाई, सबसे बड़ा इशू है इसको याद करने का। तो उसी के लिए तो मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताई है, ट्रिमुलस की ट्रिक क्या होगी आपकी, नर्वस। तो क्या हुआ, जब कोई इंसान नर्वस होता है तभी तो वो कांपता है। शायद कल की क्लास में ये वर्ड आया है तो मेरे को सडनली याद आ गया इसकी ट्रिक, ट्रिमुलस को याद किया हमने किससे, नर्वस से। क्लियर हो रही बात? तो हम यहाँ देखते हैं आपका यहाँ पर ओपोजिट क्या होगा। तो इसका जो आपका ओपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टडी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, दृढ़ हो, बिल्कुल विश्वास वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, स्टडी। क्लियर हो रही बात? एक वर्ड यहाँ पर आपका आया है, वर्ड ओबीसी, है ना। क्या आया यहाँ पर, ओबीसी। तो ओबीसी का क्या मीनिंग होता है आपका, मोटा। क्लियर? हेल्दी आप सभी लोग जानते हैं, यंग आप सभी लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पर आपके 10 वर्ड हो जाते हैं। चलिए आज कुछ नया करके देखते हैं। चलिए सर पहली इमेज लगा दीजिए, केवल इमेज। अब देखिए आपके सामने जो है वो इमेज आ चुकी है, पहली इमेज आ चुकी है। एक बच्चे ने बोला था कि सर हम एक काम करते हैं कि जो हमारे सामने इमेज है उसको देख करके हम वर्ड पर फिर से आएंगे। तो फटाफट से एक मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक या दो मिनट के अंदर हम फटाफट से रिविजन करेंगे। तो पहली इमेज हमारे सामने आई थी, बिजली कड़क रही थी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, किसको, एब्रप्ट को, अचानक से बिजली कड़की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एब्रप्ट को। सर नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। देखिए अगली इमेज हमारे सामने आई थी, एक लड़की जो बहुत कमजोर सी थी और वो क्या कर रही थी, वेट उठा रही थी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके वीकनेस को। हम उसके लिए हमारा वर्ड क्या आया था, फ्रेजाइल आया था। फ्रेजाइल आया था, नहीं आया था कि वो लड़की जो कैसी थी, किसी चीज को कमजोर लड़की थी और बड़े भारी से वेट को उठा रही थी, उसके लिए क्या आया था हमारा वर्ड, फ्रेजाइल या ब्रिटल। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ड हो गए, ब्रिटल भी हो गया, फ्रेजाइल भी हो गया। क्लियर सर? नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। अब देखिए एक हमारे सामने वर्ड आया था, एक इमेज आई थी जिसमें टाइगर को, लॉयन को क्या है, कैद कर दिया गया था। तो कैद करने के लिए क्या इमेज आई थी, क्या वर्ड आया था आपके सामने, कैप्टिविटी। आया था, नहीं आया था, याद करो, कैप्टिविटी वर्ड आया था। कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को गुलाम बना लेना, कैद कर लेना। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ गई है इमोजी की, क्या है, एक रोता हुआ इमोजी है, और इसके लिए हमारे सामने क्या वर्ड आया था, डिसकॉन्सोलेट। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके फिर अगला हमारे सामने वर्ड आया था, ये जो बंदा है वो बहुत तेज था बोलने में, बहुत स्ट्रांग था, मतलब इसकी जो स्पीकिंग थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, वाक्पट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट। चलिए इसे नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। ये इमेज फिर से उसी वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके फ्रेजाइल को और आपके ब्रिटल को। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इमेजेस को आप वर्ड को याद करते जा रहे हैं। चलिए इसे नेक्स्ट इमेज को लगाते हैं। अब देखिए आपके सामने फिर से इमेज आ चुकी है, तो इस इमेज को देखकर क्या आप बोलेंगे कि भाई ये क्या है इमेज, हासन को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत तेज। हासन को याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, हासन फास्ट, हास्ट फास्ट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसे नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। अगली इमेज थी आपकी खतरनाक, खतरा, 440 वोल्ट है, छूना है मना, इस तरीके से कोई गाना भी आया था। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज का, वो खतरनाक, डेंजर को, खतरे को, और इसके लिए आपका क्या वर्ड आया था, पेरिलस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये इमेज आपके सामने आ चुकी है, इस इमेज में क्या था कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन के लिए आपको क्या वर्ड आया था, यहाँ पर स्पाइट। क्लियर? नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने वर्ड आ गया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसी भी चीज का जो बहुत ज्यादा कांपता हुआ हो, घबराता हो, यानी कि वो कैसा हो, नर्वस हो। तो ये हमारा जो वर्ड था वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका ट्रिमुलस को। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? चलिए
तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो आप जो है आपकी डिमांड पर इमेज से आपको फिर से रिवीजन कराया गया। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लास्ट में जब क्लास पूरी हो जाया करे तो आप इमेज से फटाफट से दोबारा से रिवीजन करा दिया करो, तो इसलिए आपके सामने चीजें दोबारा रखी। ठीक है, तो बस ऐसे अपनी क्लास यहां पर पूरी होती है। डेली आपकी सुबह 5:30 बजे क्लास होती है, रात 11 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है, मैराथन। ठीक है, तो ऐसे आपके सामने चीजों को लाते रहेंगे। यकीन मानिए आप इस क्लास पर भरोसा करिए, बहुत सारी क्लास हो चुकी है, 132 क्लास यहां पर आपकी हो चुकी है। आप फटाफट से सभी का रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लाइए। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।